फारूकी मेरा नाम है और मैंने साइकोलॉजी से पीएचडी किया है और मेरा फ़िलहाल जो अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में जो मेरा वर्क है वो अर्ली मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जो मैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट में मैं वो प्रोग्राम मैनेजर हूँ, मैं इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं देखती हूँ, डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर हूँ इसकी। वहाँ पर औरतों की क्या स्थिति है? औरतें वहाँ क्वालिफाइड तो हैं लेकिन अभी पूरी तौर से एम्पावर नहीं हुई जिसको कहा जाए। वो जॉब तो करती हैं लेकिन उनके घर में भी अभी जैसे वो झगड़े होते हैं, ये होते हैं, ये सब तो होते ही वो रहते हैं ये सब चीज़। कुछ घरों में तो घरेलू हिंसा होती है करीब करीब ज़्यादातर, और कुछ घरों में नहीं होती है और झगड़े तो करीब करीब हर घरों में होते हैं। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ घरों में कम होते हैं, कुछ घरों में इसी को लेकर डाइवोर्स वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर होते हैं। ज्यादातर औरतों पे ही होती है कि वो जॉब करके आई फिर उनको घर पे भी उतने ही काम करना है, जबकि मेल पर्सन आया वो घर मतलब जॉब करके आया तो उसको कोई काम नहीं करना है, उसको चाय भी शायद नहीं वो बनाता है। तो फीमेल कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती है या फिर उसके लिए कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम होती है, तो इसी इन्हीं चीज़ों को लेके झगड़े होते हैं। कहीं कहीं कुछ जैसे वो मनी प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि कुछ घरों में लोग फीमेल को जॉब नहीं करने देते हैं, तो इसको भी लेके मनी प्रॉब्लम हुई या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे झगड़े होते हैं, घरेलू हिंसाएं होती हैं। जॉब का मैंने करीब साल भर पहले देखा था, काफ़ी दिन हो गए, एक साल से ऊपर ही हो गए हैं, और मेरा रिएक्शन ये था कि मुझे लगा उस दिन कि ये होना चाहिए। बहुत घरों में झगड़े होते हैं तो ये मना किया जाता है कि उनके घरेलू आपसी मामले हैं उसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा ये है कि बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं से अगर हम उनको मतलब काउंसलिंग करेंगे या उनको समझाएंगे तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी कुछ पड़ता है,